हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पीके एडिटिंग जोन। तो गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ आज एक और स्पेशल गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा है गाइस, आज मेरे थंबनेल में देख चुके हैं हम कुछ इस प्रकार से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए गाइस, सबसे पहले तो आपको अपने इमेज का जरूरत पड़ने वाला है। तो देखिए गाइस, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको कुछ इस प्रकार से अपना एक फोटो शूट कर लेना है इसी पोज में। तो फिर गाइस, आपको अपना फोटो शूट करने के बाद अपने स्मार्टफोन का क्रोम ब्राउजर है इसको ओपन करना है। और गाइस, यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बार में टाइप करना है remove.bg, आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो देखिए गाइस, मेरा पहले से किया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको यहाँ से हम सर्च कर देते हैं। नहीं तो गाइस, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहाँ पर डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो इसके बाद देखिए गाइस, हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर अपलोड इमेज भी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना वो फोटो है जो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए गाइस, हमारे इस फोटो का जो PNG इमेज है वो यहाँ से आ जाएगा। ये देखिए, यह फोटो है जो PNG इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए गाइस, मेरा इमेज आ चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए गाइस, हमारा इमेज है जो डाउनलोड हो चुका है। तो इसके बाद गाइस, आपको सिंपली बैक आना है। और बैक आने के बाद गाइस, आपको ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है। तो गाइस, आपके पास मेरे वाला पिक्सआर्ट का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, आप मुझे वहाँ पर DM करके मेरे वाला पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ले सकते हैं। तो देखिए गाइस, पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको एक बार हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, आप लॉगिन भी कर सकते हो। तो देखिए गाइस, आप यहाँ पर फेसबुक या ईमेल से लॉगिन भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पर एक बार स्किप कर देते हैं इसको। फिर गाइस, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और गाइस, आपको यहाँ पर ऑल फोटो पर क्लिक करना है। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइस, मैं यहाँ पर जो भी इसका मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। तो इसके बाद गाइस, आपको अपने स्मार्टफोन का ये रोटेशन है जो ऑन करना है और गाइस, अपने मोबाइल को कुछ इस प्रकार से आपको टेढ़ा करना है। तो फिर गाइस, यहाँ टेढ़ा करना है ताकि गाइस हमें यहाँ पर एडिटिंग करने में आसानी हो। तो इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करना है साइड में और यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस, आपको यहाँ पर अपना PNG इमेज है जो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, हमारा इमेज आ चुका है तो इसको यहाँ से कुछ जूम करना है और यहाँ पर आपको इसको सेट कर देना है कुछ इस तरह से, आपको यहाँ पर इसको सेट कर देना है एक बार। तो देखिए गाइस, हमारा इमेज है तो यहाँ पर देखिए कलरफुल नहीं है, इस बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। और गाइस, यहाँ पर देखिए आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा करके या फिर कम करके कुछ इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना है। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर एक बार कर लेता हूँ। तो गाइस, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद गाइस, आपको एक बार राइट के निशान पर टिक कर देना है और फिर गाइस, यहाँ पर देखिए आपको साइड में स्क्रीन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से साइड में इस पोजिशन पर आपको इसको सेट कर देना है। और फिर गाइस, आपको यहाँ पर देखिए एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर गाइस, आपको यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करना है। तो गाइस, मेरे पास एक गणेश चतुर्थी का टेक्स्ट PNG इमेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम कर देते हैं और ऊपर यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद गाइस, आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और फिर से गाइस, आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। तो गाइस, मेरे पास एक स्लोक का PNG इमेज है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं हम और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए पहले वाला ये वाला है तो इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं हम और इसको यहाँ पर नीचे सेट कर देते हैं, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद गाइस, आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और गाइस, फिर से आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। और गाइस, मेरे पास एक दुपट्टे का PNG इमेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं हम और कुछ इस तरह से आपको इसको फुल स्क्रीन जूम कर देना है और गाइस, स्क्रीन पर टैप कर देना है। और गाइस, फिर से आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है। तो गाइस, मेरे पास एक एपी गणेश चतुर्थी का PNG इमेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं हम और कुछ इस तरह से जूम करना है और यहाँ पर आपको ऊपर इसको सेट कर देना है। और गाइस, यहाँ पर देखिए साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है
और यहाँ से इसको स्क्रीन पर टिक कर देना है। और गाइज आपको यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर टिक कर देना है। और फिर गाइज हमारा इमेज जो बनकर रेडी हो गया है, तो इसको आपको एक बार यहाँ पर राइट के निशान पर टिक कर देना है। और तो गाइज हमारा इमेज है जो यहाँ पर देखिए, हमारे इमेज में जो क्वालिटी नहीं है, तो इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज आपको यहाँ पर इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए गाइज, यह सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको HDR का, इस पर आप क्लिक करना है। और गाइज इस पर फिर से क्लिक करके आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो चले गाइज मैं एक बार यहाँ पर कर लेता हूँ। और गाइज राइट के निशान पर टिक कर देना है। तो गाइज हमारा इमेज है जो इस प्रकार से एडिटिंग हो चुका है कम्प्लीट। तो इसके बाद चले गाइज हम इसे गैलरी में सेव करते हैं। तो इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर देखिए एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है गैलरी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे हमारा इमेज है जो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना आपको वीडियो कैसा लगा हो, और आपको आगे किस वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए भाई आपके लिए लेकर आएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद जय भारत।